कृषि कानून को रद्द करवाने व समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करने की मांग को लेकर देश भर में लगातार किसान आंदोलन जारी है। 26 नवंबर से आज तक लाखों देश के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच कई बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जहां सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, वहीं किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि किसान अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से किसान नेता सुदेश टीकम, हरिश्चंद्र साहू, अर्जुन मंडावी, रमाकांत बंजारे व वीरेंद्र उइके क्षेत्र के किसानों को लेकर किसानों के लिए समर्थन मांगने के लिए निकले हैं। इस दौरान नुक्कड़ सभाएं करके किसानों को दिल्ली चलो आंदोलन में भाग लेने को आह्वान किया गया। सुदेश टीकम ने कहा कि आज 3 कृषि बिल को लेकर किसान परेशान है। वही सरकार जो किसानों के हित की बात कर रही है, वो सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है। कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों को इसका फायदा देने की कोशिश कर रही है। उधर पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल तारकेश्वर शाह खुसरो ने कहा कि दिल्ली में एक महीने से लाखों किसान कड़कती ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस फैसला नहीं कर रही है। सरकार अपनी हट धर्मिता पे अड़ी हुई है। गंडई से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। राजा साहब बताइएगा, आज हमारे टीकम देशमुख जी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ गंडई में किसानों का समर्थन लेने आए हैं और राजावाड़ा से इनको समर्थन मिला आपका, आप बताइएगा इसके बारे में। पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। भाई साहब, मैं राजा नहीं हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ और मुझे किसानों का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाई सुदेश टीकम जी का मुझे संदेश मिला और उस संदेश को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि चलो जिले से कोई ऐसा नेता है जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर हुए हैं और निरंतर अब अनवरत जिले में भ्रमण करते हुए आज गंडई पहुँचे हैं। तो गंडई के एक किसान होने के नाते मैंने आपको समर्थन देने की बात कही है कि देश के अंदर में जो किसान के विरुद्ध में जो काला कानून लाया गया है, उसके लिए हम दिल्ली के किसानों के साथ साथ पूरे देश के किसानों के साथ हम खड़े हैं और कंधे से कंधा। क्या ये माना जा रहा है कि जो मोदी सरकार है किसानों के साथ छल करके कॉर्पोरेट घरानों वालों को इसका फायदा दे रही है? बिल्कुल, ये कानून जो है ये किसानों के हक में नहीं है, बल्कि उन कॉर्पोरेट घरानों के हक में है जो मोदी जी चाहते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी किसानों का समर्थन कर रही है। इस कानून के विरोध में शुरू से कांग्रेस रही है और छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश सरकार जो है अनवरत इस विषय को लेकर गंभीर है और हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी इस कानून का विरोध किए हैं और आगे की जो पार्टी लेवल पे जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से ये बहुत कहीं ना कहीं देखा जाए कि खाली कांग्रेस नहीं, देश के अंदर कहीं भी जिसकी भी सत्ता सरकार है, चाहे वो भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो और भी है, यानी ये सारे के सारे किसानों के साथ है, सिर्फ भाजपा सरकार छोड़ के। जी जी बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ बाकी जितने भी विरोधी दल हैं वो किसानों के हक में है। आज किसानों के साथ एक प्लेटफॉर्म पे पूरी सरकार नजर आ रही है। बिल्कुल आएगी, नजर आएगी। नाम और पद बता। और खाली भी आ गए, तारकेश्वर शाह खुसरो, भूतपूर्व मंडी अध्यक्ष गंडई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.